अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे भिंडियाँ। हमने 250 ग्राम भिंडी लेकर उन्हें अच्छी तरह धोया है, काट कर एक प्लेट में रख। हमने लिया है आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, 4 जवे लहसुन के, 1/4 हल्दी, 1/4 जीरा। अब हमने इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है जिसमें ये प्याज तल लें। अब हमने जो एक प्याज हमने काट कर रखी थी वो कढ़ाई में डाल दी तलने के। अब हम इसको ब्राउन कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि अब हम इसे थोड़ा ब्राउन होने के लिए तल लेंगे 5 मिनट। जब हमारी प्याज ब्राउन होने लगे फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, पहले लाल मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, हल्दी डालेंगे और इसको थोड़ा भून लेंगे। लहसुन और जीरा भी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी। ये हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हम इसके भूनने का इंतजार करेंगे। अब हमारा मसाला भूनकर तैयार है, हम इसमें भिंडी डाल देंगे और ये 4 कड़ी भी हरी मिर्च डाल देंगे और स्वाद के लिए 1 टमाटर भी ऐड कर दिया है ताकि हमारी भिंडी का स्वाद अच्छा आए। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे डाल देंगे और इसको ढक के पकाने के लिए रख देंगे। भिंडियों को खोल कर देख रहे हैं कि ये पक चुकी है। देखिए अब हम इसकी तेज गैस करके इसको थोड़ा सा तल लेंगे ताकि हमारा तेल जो है वो इसको सर्व करेंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।